अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान अप क्लोज। माई सेल्फ हसन रफीक, हसन साहब इधर मिड में हो जी ना, शिफ अजीज जी, ये कौन है? ये बाकिर शबीर साहब है और इस वक्त हम सैदपुर व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। हसन और कोई पॉइंट नहीं लगता है? नहीं नहीं, सैदपुर व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। वहाँ पे चल के जो है वो हमारा इरादा है कि कुछ नया करें। नया क्या करेंगे? नया बैग उठाया हुआ है, वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं। चलें जी। ये बाकिर साहब कह रहे हैं जी हमें चस नहीं आ रही, चस आई इस तरह की, ये चस चाहते हैं। वो सामने मुनाल भी है, थल्ले लाना शुरू कर देते। नहीं नहीं, अगे जाके फ्री हो जा सी, इतने जाके फ्री हो सी उन तक नहीं, जो बूटे खत्म हो सन उठे। दो रास्ते हो गया इधर से, लेफ्ट राइट, ओह तीन रास्ते दिखाते हैं आपको। ये कौन से जी? पहला रास्ता, उसके साथ दूसरा और ये तीसरा रास्ता। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम पॉइंट पे पहुंच गए हैं, इसे कहते हैं सैदपुर व्यू पॉइंट। यहाँ से जो है वो नीचे सैदपुर विलेज नज़र आता है। अभी चूँकि सूरज की रोशनी लग रही है, शायद क्लियर नज़र ना आए, आपको दिखाता हूँ। बड़ी पीसफुल प्लेस है यहाँ पे, देखें अगर ऊपर लड़के बारबेक्यू कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हमारा प्लान भी कुछ इसी तरह का ही है कि यहाँ पे बैठ के बारबेक्यू करेंगे और इंजॉय करेंगे। देखें स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, जैसे ही सूरज ग्रूब होगा, लाइट्स ऑन होंगी, तो फिर इसका नज़ारा जो है वो देखने वाला होता है। ये सामने पहाड़ है मरगला हिल्स, और वो सामने अगर आपको नज़र आए तो थोड़ा सा क्लियर ऊपर करता हूँ मैं। सामने मुनाल होटल है, और मुनाल होटल से अच्छा पीछे अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा पीछे जो है वो 5 मिनट पहले आपको रुकना पड़ता है, गाड़ियाँ रुकी होती हैं आपको पता लग जाएगा। तो वहाँ से वॉक करके तकरीबन 10 मिनट की वॉक है, वॉक करके आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ भी। बिल्कुल पीसफुल माहौल है। क्यों का साहब, यहाँ का माहौल कैसा है? सर बहुत मज़े का मौसम है। चलिए अब मिट्टी तैयार करते हैं, टाइम शॉर्ट है, मगरिब टाइम कम है, देखते हैं अब तैयारी करते हैं, कुछ लकड़ियाँ वगैरह ढूंढते हैं, कोयले तो हम साथ लाए हैं, तो आग शाग जलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ आज तैयार करते हैं, हम किस तरह की चीज़ जो बनाते हैं। काशी साहब ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। ठीक है, एक और रखें, एक और रखो ना, thank you.
जी व्यूअर्स, मसाला लगा के चिकन को रख दिया आपने, वो साथ पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। अभी 15 मिनट इंतज़ार करेंगे कि मैरिनेट हो जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद जो आग शाग भी जला ली आपने, उसके बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे बनाना, तो फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं इस तरह। क्यों काजी साहब, कितना टाइम लगेगा? और 2 से 4 मिनट सर, बस कोयले तैयार हो रहे हैं। 15 मिनट तो रखना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, ये तो इतनी देर रखेंगे, 15 मिनट ये रखेंगे। आयल वाली जो आप जलाए थे ना सशे, वो तो कहीं आपने फेंक दिए? आयल नहीं हमारे पास, वो ऊपर जो भाई बना रहे हैं ना उनसे थोड़ा सा आयल लेके आए। नहीं यार, कोयलों के साथ आयल भी उधार लेना पड़ेगा। ले 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 ले, कुछ नहीं, मैं आगे कोयले लाया हूँ, आप ऐसा करें उनसे वो ले आए। देखें टिक्के बड़े जबरदस्त बना रहे हैं वो, उनसे ले आना, चेक भी कर चलें जी। आयल मांग के लाते हैं हम, देखते देते हैं हम, लेके नहीं देते। साइड पे करो, जलेगा नीचे से, ये वाला, ये वाला, ये वाला। व्यूअर्स, ये जो है ना आज स्पेशल हमने जो ये बारबेक्यू करे हैं बाकर साहब के लिए, ये आज आए थे तो इन्होंने कहा को खाने का बंदोबस्त किया जाए, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो आज हम जो है ना बारबेक्यू कर रहे हैं, और बड़ा प्यारा व्यू है इधर। बस तकरीबन 5 से 10 मिनट और हमें चाहिए होंगे, तो इतनी देर में तैयार हो जाएंगे। हवा भी बड़े मज़े की चल रही है यहाँ। बाकर साहब को तो आई थिंक ठंड लग रही है, बाकर साहब कोयलों पे बैठ के भी आपको ठंड लग रही है? कोयलों के ऊपर बैठ जाऊँ फिर नहीं लगेगी, वैसे लग रही जी। आई थिंक रेडी हो चुकी है, इसको चेक करते हैं। वाह, बाकर साहब आप अपना रिव्यू देना जरा। जी ले जी, वाह वाह वाह, बस हो ना सही। घी नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ। भूखे भेड़ियों की तरह, वाह मजा आ गया सब। ये ले जाओ, एक सेकंड साइड चेंज कर लेते हैं ना, ये साइड लेना जी। वाह मजा आ गया ये मौसम और ये बारबेक्यू और ये लोकेशन। बाकी सब चेक करें ना, जी व्यूअर्स टिक्के वगैरह तो हमने खा लिए,
यहाँ पे अभी सूरज ग्रूब हो गया, मगरब की अजानें हो रही हैं और यहाँ पे ठंड जो है वो सख्त हो गई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो पीछे आपको मेरे व्यू नज़र आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस्लामाबाद की लाइट्स जो हैं वो ऑन होना शुरू हो गई हैं और हम भी जो है देरा पड़ने से पहले पहले जो है वो निकलेंगे वापसी की तरफ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट से आगाह करना मत भूलें। और जाते जाते आपने एक काम ज़रूर करना है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा हम किसी अच्छे, इससे भी अच्छे पॉइंट पे जाएं और वहाँ पे जाके कोई बुकिंग वगैरह करें, बुकिंग करें और आपको भी दिखाएं। उम्मीद है कि आप हमें अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे और जितना हमने कोशिश की है यहाँ पे आकर बारबेक्यू करने की, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लगाई थी हम बुझा रहे ताकि, क्योंकि आसपास जंगल है, चीज़ों को बाकी चीज़ों को आग न लग जाए, कचरा सारा बैगेज पाओ जी, कचरा बैग में डालना, चीज़ें तो छोड़ के चलें।